गुड आफ्टरनून सेवन्थ क्लास, आई एम शशि चौहान, यू आर संस्कृत टीचर। बच्चे, हमने ये 18 चैप्टर रीड किया था, क्रीड़ा क्षेत्रम अर्थात खेल का मैदान। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर बच्चे 76 पर आ जाओ। फिलअप्स है आपके, अधा डैश क्रीड़ा वर्त है। आज खेल हो रहा है, तो क्या खेल हो रहा है? पाद कंदुकम, आज फुटबॉल का खेल हो रहा है। अस्याम डैश दवे दले भवता, इस दो दल होते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे क्रीड़ायाम। इस खेल में दो दल होते हैं। देखो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में पाद कंदुकम, सेकंड में क्रीड़ा याम। थर्ड क्वेश्चन है इदम डैश अस्ति, यह है क्या है? यहाँ पर आ जाएगा क्रीड़ा क्षेत्रम अर्थात खेल का मैदान है। ते वे सब परस्परम आपस में अति बहुत डैश कुर्वंती, वे आपस में बहुत करते हैं, क्या करते हैं? शोर, शोर को हम संस्कृत में बोलेंगे कोलाहलम। ते परस्परम अति कोलाहलम कुर्वंती, वे आपस में बहुत शोर करते हैं। नेक्स्ट है प्रति दल है एकादश डैश भवंती, प्रत्येक दल में 11 होते हैं, यहाँ क्या जाएगा? खिलाड़ी। खिलाड़ी को हम संस्कृत में बोलेंगे क्रीडका, यानी कि बहुत सारे खिलाड़ी है तो क्रीडका आ जाएगा। बच्चे ये बुक में ही करना है आपको। इसके बाद आते हैं हम टू क्वेश्चन पर, पेज नंबर है आपका 77। इसमें बच्चे आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अब हिंदी में अनुवाद कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको बताया हुआ है एक एक वर्ड का करना होता है, उसी तरीके से आप करोगे। जैसे कि इदम का यह है, क्रीड़ा क्षेत्रम का खेल का मैदान, अस्ति का है, तो यहाँ पर आप लिखोगे यह है खेल का मैदान है। बच्चे जैसे मैंने हर बार आपको बताती हूँ, एक एक वर्ड का करोगे तो आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है? यह खेल का मैदान है। नेक्स्ट है अध, आज पाद कंदुकम, फुटबॉल का क्रीड़ा खेल वर्तते हो रहा है, आज फुटबॉल का खेल हो रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट है प्रति दल है, प्रत्येक दल में एकादश 11 क्रीड़का खिलाड़ी भवंती होते हैं, यह अभी आपका फिलअप्स में भी आया था, तो प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बच्चे हिंदी में लिखना है इस तरीके से 11। अगला है अस्याम, इस क्रीड़ायाम खेल में दवे दो दल दल भवतः होते हैं, इस खेल में दो दल होते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत में अनुवाद करने हैं बच्चे। जैसे हमने एक एक वर्ड का यहाँ पर बनाया, इसी तरह से हम संस्कृत बनाएंगे। यह का इदम, क्रीड़ा का, क्रीड़ा स्थल का यानी कि खेल का मैदान, तो यहाँ पर बन जाएगा क्रीड़ा क्षेत्रम। है का अस्ति, तो इदम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। नेक्स्ट है आज, आज का अधा, फुटबॉल का पाद कंदुकम, खेल क्रीड़ा हो रहा है वर्तते, अधा पाद कंदुकम क्रीड़ा वर्तते। नेक्स्ट है सांस पूर्ण होने तक वह यह ही कहता है, सांस का हो जाएगा श्वासम, पूर्ण का पूर्णम, होने तक का यावत, वह का सह, एव ही कहता है कथ्यते, श्वासम पूर्णम यावत स एव कथ्यते। अगला है इस खेल में भी दो दल होते हैं, अस्याम
इस खेल में भी, तो इसका हो जाएगा अस्याम, खेल का हो जाएगा क्रीड़ायाम, अपी का हो भी का हो जाएगा अपी, दो का हो जाएगा दवे, दल का दले, होते हैं भवतः, अस्याम अपि क्रीड़ायाम दवे दले भवतः। नेक्स्ट है मेरे कक्षा अध्यापक निर्णायक है, मेरे का मम, कक्षा का कक्षा अध्यापक का आ जाएगा कक्षा अध्यापक, निर्णायक का हो जाएगा निर्णायका, विसर्ग आ जाएगा है का अस्ति, मम कक्षा अध्यापक निर्णायका अस्ति। ये बच्चे आपको बुक में ही करना है। इसके बाद आता है बच्चे इन वाक्यों को शुद्ध करना है, जैसे कि अत्र यहाँ, छात्रा अनेक, सारी छात्रा अनेक का अनेक, अब यहाँ क्रीडान्ति ये किस तरह से लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्रीडन्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्रीडन्ति, यहाँ अनेक छात्रा अनेक खेल खेलती है या अनेक खेलती है, इसकी हिंदी बच्चे इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ अनेक छात्रा खेलती है, क्रीडन्ति इस तरीके से राइट लिख लेना है बच्चे आपको। इसके बाद है अधा पाद कंदुकम क्रीड़ा वर्त है, अब बच्चे पाद कंदुकम यहाँ पर क्या मिस्टेक है, एक तो मात्रा में है ऊ की मात्रा है और एक माँ, तो पाद कंदुकम किस तरह से लिखा जाता है, इस तरीके से पाद कंदुकम क्रीड़ा वर्तत है, आज फुटबॉल का खेल हो रहा है। नेक्स्ट है एक निष्पक्ष निर्णायक लिखा हुआ है यहाँ पर, निर्णायका करोति, और निर्णायका किस तरह से लिखता है, एक निष्पक्ष निर्णायका यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा करोति। अगला है इदम, यह यहाँ पर आएगा क्रीड़ा क्षेत्रम, तो बच्चे हमें शुद्ध क्या करना है, यही तो करना है जो गलत लिखे हुए हैं, अस्ति, तो इदम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन 4 वाला और 5 वाला क्वेश्चन ये आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में ही करना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, निर्णायका का कथ्यत है, तो आंसर क्वेश्चन में से लेंगे, निर्णायक क्या कहलाता है, तो निर्णायक को भी बच्चे हम रेफरी भी कहते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे निर्णायका रेफरी कथ्यत है, निर्णायक को हम रेफरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रीड़ा क्षेत्र है किम भवति, खेल के मैदान में क्या होता है,